राजमा चावल हम सभी बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजमा चावल की रेसिपी। इसको आप इजीली घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार आप इसको इसी तरीके से ट्राई करके देखिए, एंड लंच के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये राजमा लिया है, इसको ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, एंड इसको अभी वॉश कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको अभी बॉयल होने के लिए कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीके से। आप इसकी जगह पे रेड वाला राजमा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डाल दिया है, इसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें मैं ये डबल क्वांटिटी में वाटर ऐड कर रही हूँ, जितना राजमा था उससे। ये पटेटो, इसको मैंने पील कर लिया है, इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और कुकर को बंद कर देंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसको मैं 6-7 सीटी आने तक बॉयल करूँगी, उसके बाद इसकी गैस खुद से निकल जाने दूँगी। ये ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा क्यूमिन सीड, ये ग्रीन चिली, जिंजर है इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, थोड़ा सा गार्लिक सॉटे कर लेंगे। ये अनियन है, इसको भी रफली चॉप किया था, इसको भी इस तरीके से भून लेंगे इसी तरीके से। ये टमेटोज़ हैं थोड़े से, इसको भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर देंगे। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद में देखिए, इसको चेक कीजिए, जो टमेटो हैं एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद में इसकी प्यूरी बना लेंगे। राजमा था वो बॉयल हो चुका है, मैंने इसको निकाल लिया है अलग बर्तन में। तब तक चावल रख देते हैं। मैंने ये 1 ग्लास राइस लिए हैं और इनको अभी अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने राइस को वॉश कर लिया है और इसको भी कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और 1 ग्लास राइस था उसमें मैं 1.5 ग्लास वाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने वाटर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ये लेमन जूस, 1/2 लेमन था जिसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, एंड थोड़ा सा ये ऑयल ऐड करेंगे। इससे ये जो चावल हैं वो अच्छे से पकेंगे और चिपकेंगे नहीं। मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और 1 सीटी आने तक इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद इसकी जो गैस है वो खुद से निकल जाने देंगे। जो हमने तैयार की थी उसकी मैंने प्यूरी बना ली है और अभी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बटर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा क्यूमिन सीड, ये होल रेड चिली, थोड़ा सा तेज पत्ता, ये सिनेमन स्टिक, ये लौंग, इलायची, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं। और जो प्यूरी बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इस तरीके से अच्छे से इसको पकाएंगे। ये टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। स्पाइसेस को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से
और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ग्रेवी बॉयल होने लगी है। थोड़ा सा ये राजमा मसाला अभी ऐड करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे। ये ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अच्छे से भून लेंगे इसको। जो मैंने पटेटो बॉयल किया था वो उसको मैच करके डाल दूंगी, इससे जो ग्रेवी का टेक्सचर है बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छे से इसको भून लेंगे। पटेटो को एकदम मैश करके डालना है। जो बॉईल किए थे राजमा वो मैं ऐड कर दे रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ में इस तरीके से। मैंने मिक्स कर लिया है। एंड जो वाटर निकला था बॉईल किए हुए राजमा से वही मैंने इसमें यूज़ किया है, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया था। आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से पकाएंगे इसको। ये देखिए 2-3 मिनट के अंतर पे आप इसको चलाते रहिए सब्जी को। ग्रेवी को अच्छे से पकाना है इस तरीके से। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। जो राजमा मसाला था बचा हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा एक चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और इसको अच्छे से चलाएंगे। सब्जी बन चुकी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, मसाले को और कोरिएंडर लीव्स को। इस तरीके से सब्जी बनके तैयार है। एंड जो चावल हमने रखे थे वो देखिए इस तरीके से बने हैं चावल। लीजिए राजमा चावल बनके एकदम से तैयार हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और लंच के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप इसको बहुत जल्दी बना के तैयार भी कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।